नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, शांति निकेतन विद्या संकुल आपનું हार्दिक स्वागत करे छे। धोरણ 6 विषय हिंदी पाठ 2 अनूठे इंसान। गया वीडियो में आपणे ए पाठ जोयो, एनु ભાષાંતર જોયું અને શબ્દાર્થ જોયા। હવે આપણે એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય જોઈશું। પ્રશ્ન 1, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ। નેપોલિયન ઓર ઉસકી બહન કે સ્વભાવ મેં ક્યા અંતર થા? તો એનો જવાબ, નેપોલિયન સબ બોલને सच बोलने नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था। वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं, दूसरों के नुकसान नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। प्रश्न 2, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? हेरो जवाब, नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिर कर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। प्रश्न 3, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? मेरा जवाब, मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल में उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती हैं, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं। इन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी की सहायता की आवश्यकता हो तो मैं उसी बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं उसी बचत की रकम में खरीदता हूँ। माता जी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत में से ही उनके लिए फूलों को हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च में का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जवाब, बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह की। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश में स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। 5, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता था। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसीलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सफाई करते और धन इकट्ठा करते थे। 6,
आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा? क्यों? मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो भी 16 साल की बालिका थी, उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे, फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए कौमुदी का पात्र हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। प्रश्न 7, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने अपनी गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्द में बताइए। जवाब, एक बार छुट्टी के दिन मैं अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरे कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे पिता माता पिता की इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। प्रश्न 2, संयुक्त वर्ण से बने दो दो शब्द लिखिए। अपने आगर जो तू दो वत्ता दो वत्ता द्व शुद्ध बुद्ध कुद्ध शब्द बने, इना बे शब्दों बनावना छे। बीजू त वत्ता त लवित उत्ता छत्ता द्व वत्ता म पद्म पद्म छम सद्म द वत्ता व वत्ता द्व विद्वान द्वेष। पचमू हम ह वत्ता अर्ध ह वत्ता म द्व ब्रह्म ब्रह्मांड ब्राह्मण। अभी प्रश्न 3, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। महात्मा गांधी और देश प्रेम, आ प्रश्न में पात्र बनावना छे। शिक्षक शौनक अने सुनील अने रमा त्रण छोकरा अने शिक्षक एवा पात्र बनाया अने ए पात्र में आपणा इनु वर्णन करवानुं छे। शिक्षक ने कहा, शौनक हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? शौनक ने कहा, गुरु जी हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। शिक्षक ने कहा, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? सुनील ने कहा, गुरु जी गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। रमन ने कहा, उन्होंने कई सत्याग्रह किए और भी कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए, देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। प्रश्न 2, इंसान अनूठा कब कहलाता है? आप प्रश्न में पर पात्रों आवशे। शिक्षक महेश और रौनक। हम शिक्षक ने कहा, महेश क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनोखा कब कहलाता है? महेश ने कहा, गुरु जी जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक ने कहा, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था? महेश ने कहा, गुरु जी जब हमारा देश की आज़ाद हुआ तब यह लगभग 600 रियासतें थी। इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे, वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ली।
और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। रौनक ने कहा, गुरुजी इसलिए तो सरदार पटेल को लोह पुरुष कहते हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ सरदार पटेल लोखंडी वो इरादों के आदमी थे, सचमुच वे अनूठे इंसान थे। प्रश्न तय, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? हम पात्र कया से शिक्षक अंशुमान प्रदीप कौशल। चार पात्रों आवश्य। शिक्षक ने कहा, विद्यार्थियों से तुम लोगों महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? अंशुमान ने कहा, गुरुजी मैं कृषि विज्ञान बनूंगा। मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और शाक सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। प्रदीप ने कहा, गुरुजी मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिससे रास्ते सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर न रहे। कौशल ने कहा, गुरुजी मैं देश देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सके सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा। शिक्षक ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम लोगों किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हो। भविष्य में तुम्हारे हाथों में ही देश की बागडोर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सब सच्चे देश सेवक बनोगे। प्रश्न चार, नीचे संज्ञा से बनाने वाले विशेषण शब्द दिए गए, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। धर्म तो धार्मिक, मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। रंग तो रंगीन, शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। लोभ तो लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। चमक तो चमकीला, सोना चमकीला होता है। शक्ति तो शक्तिमान, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। गुण तो गुणवती, वो सुरेखा गुणवती बालिका है। बल तो बलवान, भीम बहुत बलवान थे। दया तो दयावान, आप बड़े दयावान पुरुष हैं। दर्शन तो दर्शनीय, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। प्रश्न पांच, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। पुत्र तो पुत्री, मेढक तो मेढकी, तरुण तो तरुणी, कुमार तो कुमारी, देव तो देवी, हिरण तो हिरनी। प्रश्न नीचे बीजू उदाहरण, सोम तो सोपिन, कुम्हार तो कुम्हारिन, नागन तो नागिन, बाघ तो बाघिन, धोबी तो धोबिन, ग्वाला तो ग्वाली। न लिंग परिवर्तन, मोर तो मोरनी, शेर तो शेरनी, जादूगर तो जादूगरनी, मास्टर तो मास्टरनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी, ऊंट तो ऊंटनी। प्रश्न छो, प्रश्न पांच में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हिरण तो हिरण दौड़ रहा है। हिरनी तो हिरनी दौड़ रही है। पुत्र राहुल राजीव गांधी के पुत्र है। पुत्री इंदिरा जी लाल बहादुर जवाहरलाल जी की पुत्री थी। इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। मेढक तो मेढक टर टरा रहा है। मिटकी टर टर टरा रही है। तरुण तो तरुणी, तरुण कॉलेज जा रहा है। तरुणी कॉलेज जा रही है। कुमार तो कुमारी, कुमार खेल रहा है। तो कुमारी कुमारी खेल रही है। देव तो देव मुस्का रहा है। तो देवी मुस्का रही है। कुम्हार तो कुम्हारिन, तो कुम्हार घड़े बना बना रहा है। कुम्हारिन
कुम्हारिन तो कुम्हारिन घड़ी बना रही है, नाग तो नागिन नाग फुफरा रहा है, नागिन फुफरा रही है, बाघ तो बागिन बाघ गरज रहा है, बागिन गरज रही है, धोबी तो धोबिन धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है, ग्वाला तो ग्वालिन ग्वाला दूध ला रहा है, ग्वालिन दूध ला रही है, शेर तो शेरनी शेरज गरज रहा है, शेरनी गरज रही है, जादूगर तो जादूगरनी जादूगर खेल रहा है, खेल दिखा रही है, जादूगर खेल दिखा रही है, तो जादूगरनी तो खेल दिखा रही है, मास्टर तो मास्टरनी मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टरनी पढ़ा रही है, डॉक्टर तो डॉक्टरनी मरीज को देख रहा है, डॉक्टरनी मरीज तो देख रही है, ऊंट तो ऊंटनी ऊंट बलबला रहा है, ऊंटनी बलबला रही है। प्रश्न 7, अब चित्र चित्र के आधार पर चर्चा करी कहानी लिखी, आ चित्र पर थी अपने कहानी लखवानी लेके वार्ता लखवानी छे। कहानी के नाम सच्चे मित्र। पहला चित्र, चित्र पर चर्चा करने के लिए पहला चित्र एक जंगल था, दूसरा चित्र जब उसमें एक तालाब के किनारे कौवा हिरण चूहा और कछुआ ये चार मित्र रहते हैं, तीसरा चित्र कुछ समय के बाद कौवा आया, एक दिन हिरण घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गई, तीसरा चित्र एक दिन हिरण घूमते 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 शिकारी के जाल में फंस गई, कौवा चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे, उसने मित्रों की आवाज दी पर वहाँ कोई नहीं था, कुछ समय के बाद कौवा आया, उसने हिरण के जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ, उसने हिरण से कहा मित्र चिंता न करो, मैं तुम्हें जाल से मुक्त कर रहा था हूँ, वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुँचा और बोला चूहा भाई जल्दी चलो, अपने ही मित्र हिरण के जाल फंस गए जाल में फंस गए हैं, जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो, ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँगी, कछुए ने कहा कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। चौथा चित्र, कौवे चूहे के को अपनी पीठ पर बिठा कर ले आया, चूहे ने धीरे धीरे चाल काट डाली, तो कौवे ने दूसरे से शिकारी को आते हुए देखा, हिरण उसने हिरण को सावधान किया, हिरण जाल में जाल से निकल कर भागा, चूहा पास की झाड़ी में छिप गया था, तब तक कछुआ वहाँ पहुँच चुका था, शिकारी के पास थैली थी, हिरण को न पाकर गुस्से में उसके कछुए को पटकर कर थैली में जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया, शिकारी के हाथ में मलता रह गया। पांचवा चित्र, इसी तरह कौवा हिरण चूहा और कछुए के चारों ने मित्रता निभाई। अस्तु।